नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो नई भर्ती आने वाली है वो कितने पदों पर आएगी। कुछ जो जेन्युइन बातें हैं वो आपकी समक्ष मैं रखने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, कब तक विज्ञप्ति आ सकती है, क्या इस साल परीक्षा होगी, यानी पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपकी अब राजस्थान जीके की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एक दो दिन के अंदर मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए। बहुत सारी क्लासेस हमने पहले ही ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है। राजस्थान जीके से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड ग्रेड का मैथ का तो पूरा हमने कोर्स पहले ही हम कर चुके हैं, अब रिवीजन हम करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चैनल पर नई नई आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि कितने पद रिक्त हैं, फिर कब तक विज्ञप्ति आ सकती है, कब तक नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान से ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि नए सत्र में सरकारी स्कूलों में व्याख्याताओं के 40,000 पद हो जाएंगे खाली। पद स्वीकृति के प्रस्तावों को नहीं मिली मंजूरी। 5,000 कर्मोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को एक साल बाद भी नहीं मिले 15,000 व्याख्याता। स्कूलों में चल रहा है प्रवेशोत्सव, कैसे बढ़ेगा नामांकन। यानी पिछले कोरोना के बाद में सरकारी स्कूलों में नामांकन बहुत बढ़े थे, जिसके कारण व्याख्याताओं के पद रिक्त हुए थे, सेकंड ग्रेड के पद रिक्त हुए थे। लेकिन फिलहाल जो आपके फर्स्ट ग्रेड के जो प्रक्रिया अधीन चल रही है, जो पहली वैकेंसी है 2022 वाली, उसके भी टीचर अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और भी पद यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्त हैं। कई बार यहाँ पर कॉमेंट्स आते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किस में से तैयारी करें। तो देखिए, थर्ड ग्रेड कि अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है, दूर दूर तक इसकी कोई भी सूचना नहीं है, क्योंकि पद अब रिक्त ही नहीं रहेंगे। अगर ये आपके 48,000 पद भरे जाएंगे तो उसके बाद सारे पद भरे जाएंगे। पद कहाँ रिक्त चल रहे हैं, पद रिक्त चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड से कर्मोन्नत हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। यहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल कर्मोन्नत, फर्स्ट ग्रेड वाले वॉइस प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गए, तो यानी इस वजह से पद बहुत सारे रिक्त हो गए हैं। तो यानी बड़ी भर्ती फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की इस बार भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो पहले हताश हो चुके थे, जिनके पेपर अच्छे नहीं गए, तो वो तैयारियों में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक बोर्ड है वो अपना कैलेंडर जारी करेगा, क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा पहले भी ये कैलेंडर जारी हो सकता था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अप्रैल के लास्ट में, मई के फर्स्ट में ऐसा कैलेंडर आ सकता है, यानी फाइनल कैलेंडर की भर्तियों का, किस प्रकार भर्तियां करवानी है नए साल के अंदर, जो यो इस सेशन के अंदर जो 2023 के अंदर है, किस प्रकार की भर्तियां होगी। लेकिन फिर उसके बाद जो लीक प्रकरण चल रहा है उसमें भी देखिए प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का। यानी लगभग जून के आसपास आपका कैलेंडर जारी होगा, ऐसी अपडेट्स आ रही हैं। और भी जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी हम आप तक साझा करेंगे। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इस साल एग्जाम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 2024 के अंदर आपकी परीक्षा होगी, नई सरकार बनने के बाद लगभग फरवरी के आसपास से आपकी परीक्षा हो सकती है। तो फिर 6-7 महीने का टाइम आपको एक बार फिर से और मिल जाएगा, यानी आपको तैयारी करने के लिए। अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो बहुत काफ़ी टाइम है आपके लिए तैयारी करने के लिए, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बड़ी वैकेंसी आने वाली है, अभी मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था, और बड़ी वैकेंसी आएगी। और यहाँ पर आपको हम संपूर्ण कोर्स एक बार सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का, जीके का भी करवाएंगे। इस बार पहले मैथ्स का हमने करवाया, और भी आपके लिए प्रयास यहाँ पर जारी रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।